हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी का, जो कि है कॉम्बिनेशन आपका ब्रेकआउट प्लस मूविंग एवरेज प्लस आपका वॉल्यूम का। तो तीन चीजें हम इसके अंदर कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसका रिटर्न देखेंगे 19 और 20 में उसने क्या रिटर्न आपको दिए हैं। तो स्ट्रेटजी को जानने से पहले हम पहले इसके रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर आएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैक टेस्ट है हमारा स्ट्रेक का ब्रेकआउट प्लस मूविंग एवरेज प्लस वॉल्यूम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर हुआ है। और जो स्टॉक है हमने जो बैक टेस्ट किया है वो है आयशर मोटर, जो कि हमारा 2019 का, मतलब जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक। तो इसके रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे, अगर आप बाइंग की साइड जाएंगे तो ये आपकी बाइंग की साइड है प्रॉफिट लॉस, और ये आप जाएंगे तो सेलिंग की साइड है आपका प्रॉफिट लॉस। और जो टोटल प्रॉफिट लॉस आपका मंथली वाइज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से लेके आपका दिसंबर तक। तो जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस रहा है आपको रहा है 260,677 रुपीज, जिसके अंदर की आपके टोटल ट्रेड्स हुए 172 पूरे ईयर के अंदर। और आपका अगर आप देखेंगे विनिंग ट्रेड्स तो वो है आपके 80 ट्रेड्स, 80 ट्रेड्स के अंदर आपके विनिंग है। तो जो आपकी एक्यूरेसी निकल के आती है वो है 47। तो आप एक्यूरेसी के ऊपर मत जाइए, क्योंकि इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा है, मतलब 1:3 की हमारी स्ट्रेटजी है। तो जब भी हम अपना स्टॉप लॉस छोटा लेते हैं और टारगेट बड़ा लेते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो हमेशा कम हो जाती है, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छे देखने के मिलते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज देख सकते हैं, 323 रुपीज आपकी ब्रोकरेज लगी है। एक आपका जो मतलब जो क्वांटिटी हमने लिए यहाँ पे 350 क्वांटिटी लिए हमने बाइंग और सेलिंग के लिए, उसका जो ब्रोकरेज आपको लगता है इक्विटी में वो लगता है 323 रुपीज। उसके बाद अगर आप ब्रोकरेज के ऊपर जाएंगे तो ब्रोकरेज आपकी इसके हिसाब से देखिए आपकी 55,000 की आपकी ब्रोकरेज निकल गई। तो इन हैंड जो आपको प्रॉफिट हाथ में मिला है साल के एंड में वो है लगभग 2 लाख रुपीज के आसपास। तो इसके अंदर आप एमआईएस का मार्जिन देखेंगे तो 85,000 रुपीज आपका एमआईएस मार्जिन के लिए यूज होता है, और ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के लिए आपका 50,000 का मार्जिन यूज होता है जीरोधा के लिए। और यही चीज अगर हम किसी और ब्रोकर के लिए बात करते हैं लाइक एरिस ब्लू या आस्था ट्रेड, तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम स्ट्रीक में बैकटेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब हम सिर्फ और सिर्फ जीरोधा के साथ ही ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईयरली परसेंटेज देख सकते हैं, लगभग 241% आपको रिटर्न निकल गया है, जिसका कि अगर आप मंथली परसेंटेज निकालेंगे तो वो होता है 20% पर मंथ। अगर आप कवर और ब्रैकेट ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट होता है 50,000 रुपीज का आपकी 350 क्वांटिटीज लेने के लिए। तो वहां पे आप देखेंगे तो जो आपको रिटर्न निकल के आया वो है लगभग 410% का, जो कि मंथली आपका बन जाता है 34% का रिटर्न। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं 350 क्वांटिटी के हिसाब से है। तो यहाँ पे अगर आपको 350 क्वांटिटी से आप ट्रेड नहीं करना चाहते, अगर आप कम से भी करना चाहते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका सेम रहेगा, सिर्फ जो आपकी अमाउंट है। अगर आप हाफ क्वांटिटी से करेंगे तो 2 लाख की जगह आपको 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो हो गई आपकी रिटर्न की बात। तो जहां तक कि मैं आपको बताऊं तो काफी अच्छा रिटर्न है आपका, लगभग 200% और 400% का रिटर्न है आपका, जो कि आप स्ट्रीक के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा आपका सस्ता प्लेटफॉर्म है। तो अब आते हैं मेनली इसकी स्ट्रेटजी की तरफ, की स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर चलते हैं आयशर मोटर के। सो स्ट्रेटजी को यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो कंडीशन देखिए, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखिए हमने 5 मिनट्स का चार्ट लिया है, तो 5 मिनट्स हमने यहाँ पे चार्ट कर लिया है। ओके, सेकंड स्टेप आता है आपका बाय का, 350 क्वांटिटी है आपकी। उसके बाद हमारा देखिए अगला है क्लोज इज क्रॉसेस अबव प्रीवियस एंड हाई माइनस वन डे। अब इसका मतलब है इसका जो क्लोज प्राइस है 5 मिनट्स के कैंडल का, कोई भी कैंडल हो जो भी पिछले डे के हाई को क्लोजिंग देती है अबव, मतलब समझ लीजिए 5 मिनट का चार्ट लगाया है। अब ये फर्स्ट कैंडल देखिए आपका पिछले दिन का हाई लो, पहले मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको। अब देखिए जो प्रीवियस डे था आपका 30th of September, तो इसका लो आप देखेंगे तो आपका लगभग ये है, ये लास्ट कैंडल लो बनाया है यहाँ पे। ओके, इसको हमने मार्क कर दिया। और जो प्रीवियस डे का हाई है आपका वो है ये कैंडल का हाई। ओके, तो ये हो गया आपका ये। तो अब कंडीशन क्या कहती है कि आपका जो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस है कैंडल का, वो अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, क्रॉस कर जाता है, तो आपको वहां पे बाय करना है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ आप देखेंगे, तो इसने यहां पे क्लोजिंग दी आपको, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बाय होता। और इसका स्टॉप लॉस हमने क्या रखा है 1% का, और टारगेट क्या रखा है हमने इसके अंदर 3% का। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए स्टॉप लॉस 1% का है और टारगेट 3% का। लेकिन इसके अंदर हमने एक कंडीशन और डाली है कि वॉल्यूम इज हायर देन मूविंग एवरेज 50। ओके, तो जो इसको हमने देखिए यहाँ पे चार्ट पे दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम लाइन है जो जा रही है आपकी 50 की वॉल्यूम लाइन, देखते हैं एम ए 50 वॉल्यूम एम ए 0, सेम टू सेम स्टैंडिंग आपको यहाँ पे दिखेगी, ये देखिए 50 वॉल्यूम सिंपल 0। तो ये सेम टू सेम स्टैंडिंग चार्ट के ऊपर आपको इस तरह से दिखेगी। तो इसका मतलब है कि क्लोज प्राइस जब इसके ऊपर होगा, यहाँ पे देखिए क्लोज प्राइस इसके ऊपर होगा और वॉल्यूम आपका वो भी आपके इस 50
मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होगा तो आपको बाय करनी है। तो यहाँ पे आपकी बाय कंडीशन बनती और 1% का स्टॉप लॉस और 3% के टारगेट के साथ। उसी तरह से आपको सेल का करना है। अब सेल के अंदर कंडीशन में कैसे कंडीशन बनेगी आपकी, अब इस कंडीशन में देखिए आपका सिर्फ बाय एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे के अंदर आपका नीचे की तरफ का जो प्राइस है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। नीचे की तरफ देखिए क्लोज आपका जो है वो क्रॉस करके यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, तो नीचे आपका सेलिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई है इस दिन के लिए। तो इसी तरह हम एक दिन पीछे चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी सेलिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ओके, यहाँ पे हमारी सेलिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई है। सेलिंग आप देख सकते हैं, सेलिंग 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 सेलिंग। ओके, यहाँ पे देखिए और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए, अब अगर आप 23rd ऑफ सितंबर का हाई लो देखेंगे तो ये आपका लो है और ये आपका हाई मैंने मार्क यहाँ पे कर ही रखा है, देख सकते हैं आप, ये हाई मार्क कर रखा है। अब इस दिन 24th ऑफ सितंबर को आपका ये जो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली कैंडल, जो थर्ड कैंडल आपको दिख रही है 5 मिनट की, इसने दिया है इस कैंडल के इस लो के नीचे क्लोज, देख सकते हैं आप लो के नीचे क्लोज दिया आपका। और इसके क्लोज के साथ साथ आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज के ऊपर जो वॉल्यूम है, मतलब कि जो वॉल्यूम है वो आपका मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर आपका जो वॉल्यूम है वो ऊपर है। तो यहाँ पे आपकी सेल कंडीशन बनेगी, 1% का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और 3% का आपका टारगेट। तो जो भी अचीव होगा हमें पहले वो हम मार्केट से लेके बाहर निकलेंगे। तो ये है आपकी टोटल स्ट्रेटजी आइशर मोटर को लेके। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ स्ट्रिक के ऊपर आपको कैसे क्रिएट करना है। तो सिंपल चीज है, बाइंग के अंदर आपको बताया मैंने 5 मिनट का चार्ट लेना है, आपको बाय पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करनी है या फिर अगर सेल करना चाहते हैं सेल कर सकते हैं, बाय सेल अलग अलग कंडीशन बनेंगी आपकी। यहाँ पे आपको 350 क्वांटिटी लेनी है। दूसरा ऑप्शन आएगा क्लोज क्रॉसेस अबव प्रीवियस एंड हाई माइनस वन डे, यहाँ पे डालना है आपको। ये कैसे डालना है अगर नहीं पता आपको बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपको डालना है PREV प्रीवियस एंड यहाँ पे आपको डालना है हाई माइनस वन और डे। ओके, सिर्फ सिंपल आ गया आपका प्रीवियस एंड हाई माइनस वन डे। ओके, अगला है एंड करके वॉल्यूम हायर देन मूविंग एवरेज 50। तो इसके अंदर सिंपल है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम सर्च करना है, यहाँ पे हायर देन आएगा और यहाँ पे आप मूविंग एवरेज वॉल्यूम करके एक इंडिकेटर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए मूविंग एवरेज वॉल्यूम करके आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल आपके एग्जिट कंडीशन के अंदर कुछ नहीं डालना, आपको सिंपल 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट डालना है और यहाँ पे अपना कुछ भी नाम देके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्ट करने के बाद देखिए आपके यहाँ पे रिजल्ट आपको शो हो जाएंगे। ये देखिए आपको रिजल्ट्स, ये असल में 3 मंथ्स के दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो रिजल्ट्स मैंने पहले से निकाल के आपके यहाँ पे रख लिए हैं ताकि मुझे बहुत लंबा बैक टेस्ट ना करना पड़े। तो एक्सेल शीट्स के अंदर आपको सारा ये मिल जाएगा एक ईयर का, इससे ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मैंने 18-19 का भी कर रखा है इसका बैक टेस्ट, तो सेम टू सेम यही रिजल्ट है, लगभग 2,60,000 है, तो उसमें भी आपका 2,50,000 के आसपास ही है जो रिटर्न निकल के आ रहा है। तो जो रिजल्ट है वो 2018 और 2019 दोनों के अंदर सेम है आपके। तो जो कंसिस्टेंट मतलब एक तरह से रिटर्न आपको ये दे रही है स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बाइक कंडीशन हमने चेक कर ली। अब यहाँ पे माई स्ट्रेटजी में चलते हैं और सेल के कंडीशन में आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने 5 मिनट्स का चार्ट लेना है, सेम टू सेम है। सेल की कंडीशन 350 क्वांटिटी, क्वांटिटी अपनी मर्जी चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव था तो यहाँ पे क्रॉसेस बिलो हो जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस एन हाई था तो यहाँ पे प्रीवियस एन लो हो जाएगा, माइनस वन डे वो सेम रहेगा क्योंकि अगर हम सेल कर रहे हैं तो कैंडल के लो के नीचे ही सेल करेंगे। ओके, दूसरा है वॉल्यूम इज हायर देन, ये सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि वॉल्यूम हमेशा हमारा ज्यादा रहना चाहिए। इसको गलती से आप लोअर मत कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग करते हैं कि अगर बाइंग के अंदर हाई है तो सेल के अंदर इसको लो कर देंगे तो वो चीज आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको आपको हाई रखना है। इस कंडीशन में कोई भी चेंजमेंट आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इस कंडीशन के अंदर चेंज होगा क्रॉसेस बिलो और ये प्रीवियस हाई की जगह प्रीवियस लो रहेगा। एग्जिट कंडीशन सेम टू सेम रहेगी आपकी 1% की और 3% आपके टारगेट के ऊपर। इसको भी सेम एंड बैकटेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इसका बैकटेस्ट आपको शो हो जाएगा। ये देखिए ये बैकटेस्ट आपका आ गया लगभग 34,605 रुपीज का। तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी आइशर मोटर के ऊपर, वॉल्यूम प्लस मूविंग एवरेज प्लस ब्रेकआउट, तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और जब भी हम कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपकी जो सिग्नल्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं ताकि हमें फॉल्स एंट्री ना मिले, लेकिन उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी जो है वो कम हो जाता है। तो आइशर मोटर के अंदर जैसा कि हमने देखा यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2 लाख के आसपास का, तो ये भी कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। अगर आप लॉस भी देखेंगे सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर आपको लॉस हुआ है और लॉस देखेंगे आपका लिमिटेड है, आपका 22,000 मैक्सिमम तक गया है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपका देखेंगे तो 81,000 तक गया है। तो सिंपल सी बात है, आपने रिस्क को आपने डिफाइन कर रखा है 1% तक और जो टारगेट है वो आपका 3% है, एक तरह से थोड़ा ज्यादा है। तो हमेशा इस कंडीशन में आपको ज्यादातर प्रॉफिट होने के चांस रहेंगे। सो ये थी आपकी स्ट्रेटजी आइशर मोटर के ऊपर। सो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।